पौड़ी के गंगा दर्शन क्षेत्र में बीते दिनों घास लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुलदार की दहशत के चलते महिलाएं चारा पत्ती जलावन लकड़ी लेने के लिए जंगल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज होकर महिलाओं ने श्रीनगर मुरादाबाद हाईवे जाम कर दिया, जिससे हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाइश के बाद हाईवे से हटाया। महिलाओं का कहना है कि वो काफी समय से वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने पिंजरे नहीं लगाए, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। शुक्रवार को हम दोपहर को घास काटने आए, 10-12 लेडीज थी, तो हमारे साथ ये बाघ ने ये हमला किया, तो वो लेडीज हॉस्पिटल पर रखी है। हमारी यही है वन विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि वो पिंजरा लगाए और यहाँ देखभाल करे जब तक वो पकड़ा नहीं जाए। पिंजरा लगाए जाए, जाने के बाद पकड़ा जाए, मारा दिया जाए। बोला, बोला, ये हमारी इच्छा है, हमका आना जाना कर रहा है, वो रोज है, हम इसी पर निर्भर है। हम जब दूध दे रहे तो अपने बच्चों को पालते हैं, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हम पिंजरा लगाए। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारा जो है 85% जो है परिवार पूरा जो है घास से चलता है, चारा पत्ती से चलता है, गायों से चलता है, दूध बेच के चलता है। मतलब तो अगर इनका रोज का है ये काम, तो अगर बाघ को पकड़ा नहीं गया तो दूसरी महिला के साथ एक घटना होगी। इसलिए प्रशासन से ये है कि पिंजरा तो आदेश तो आ गए है, लगा के जो है पकड़ा नहीं जाए, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये आक्रोश तो रहेगा ही महिलाओं में। सर हमने ये कार्रवाई कर दी है, हमारा पिंजरा जो है पौड़ी से आने वाला है, पहुँचने वाला है, और थोड़ा महिलाओं को हम लोगों ने समझा दिया है कि आप लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के घास ले जाइए चारा पत्ती के लिए, और हमारा पिंजरा आज शाम तक।